हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका पुराना लैपटॉप है जिसके अंदर आप SSD है वो इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं होता जिसकी वजह से आप वो SSD है वो इंस्टॉल नहीं कर पाते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग DVD राइटर की जगह एक एक्स्ट्रा स्लॉट बना के SSD है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मार्केट के अंदर आपको ऐसे KD है वो अवेलेबल मिल जाएगी मार्केट के अंदर, वरना Amazon से आप खरीद सकते हो। 300 350 के आसपास ये आपको ऑनलाइन है वो मिल जाएगी। इसके अंदर दो वेराइटी आती है, एक तो 9.5 mm आती है, एक आती है 12.7 mm, जिसमें पुराने लैपटॉप होते हैं जिनके अंदर DVD राइटर की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी होती है उनके लिए ये होता है, और जो स्लिम पतले वाले DVD राइटर आते हैं लैपटॉप के अंदर उनके लिए ये होती है। तो मैं आपको ये DVD राइटर के अंदर ये जो SSD है वो इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको KD है वो ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। ये मैंने KD है वो ओपन कर ली। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको SSD है वो इंस्टॉल करने के लिए एक सिस्टम मिलता है, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये जो SSD मैंने ले रखी है वो मैं इसके अंदर यहाँ पे डालूँगा। तो ये खांचे वो आपको मिला लेना है, छोटी वाली में, बड़ी वाली स्लॉट है वो बड़ी वाली में। मैं कैमरा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो छोटी वाली स्लॉट दिखाई दे रही है आपको वो तो इस छोटी वाली में आनी चाहिए, और ये जो बड़ी वाली स्लॉट है वो इस बड़ी वाली में आनी चाहिए। तो देखिए, मैं प्रॉपर इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के इसके अंदर है वो इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये इसके अंदर फिट आ गया। अब आपको इस KD के अंदर दिखाता हूँ, कुछ स्क्रू है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं फ्री में, जो इसके साथ में ही आते हैं, जो आपको यहाँ पे इसके वो टाइट से कस लेना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो जब SSD है वो इंस्टॉल करो तब। अब सिंपली हर लैपटॉप के अंदर अलग अलग तरीके से वो DVD राइटर निकलता है। किसी लैपटॉप में पूरा लैपटॉप है वो ओपन करना पड़ता है, पर मेरे पास ऐसा लैपटॉप है जिसको मैं पूरा ओपन नहीं करके यहाँ पे ये एक स्क्रू खोल के भी DVD राइटर को निकाल सकता हूँ, पर ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप के मॉडल पर। तो चलिए, मैं सिंपली यहाँ से इसको DVD राइटर को वो रिमूव कर देता हूँ। तो ये DVD राइटर है वो निकल चुका है। अब सिंपली आपको DVD राइटर में ये जो स्लॉट है वो निकाल कर आपको जो यहाँ KD के अंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये लगा लेना है, ठीक है। और DVD राइटर के आगे वाली जो ये फ्रेम आती है वो उसको भी निकाल लेना है, ऐसे निकाल के वो इसके अंदर है वो यहाँ पे आगे KD में लगा लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली जो KD है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे के अंदर, यहाँ करीबन से जूम करके दिखा देता हूँ आपको ताकि ईजी तरीके से वो आपको समझ में आ जाए। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस KD को अपने लैपटॉप के अंदर सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो अंदर आप डाल लोगे तो जो SSD है वो आपके लैपटॉप के अंदर है वो फिट हो जाएगी। और अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग तरीके से वो DVD राइटर निकलता है, इससे मैंने पूरा लैपटॉप खोलना नहीं पड़ा, वरना आपको कहीं ऐसे मॉडल आते हैं लैपटॉप के जो पूरा लैपटॉप खोल के ही DVD राइटर निकाल सकते हो, तो वो आपके डिपेंड करता है आपके मॉडल पर। सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। यदि उसके बाद में आपको SSD के अंदर विंडो लगाना है, विंडो लगाना नहीं आता है, तो वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि विंडो कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और आपके लिए नॉलेज देने वाले हैं।